आज का क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि सर आपको एक व्यू पे कितना मिलता है, 1000 व्यूज पे कितना मिलता है, 5000 10000, मतलब उनको ये लगा रहता है कि कितने पैसे मिलते हैं सब्सक्राइबर पे, कितने पैसे मिलते हैं। तो आज मैं एक एक चीज खोलूंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा कि कौन कितने आपको पैसा मिलता है, एक व्यू पे, 2 व्यू पे, 1000 व्यू पे, 10000 व्यू पे, 5000 व्यू पे। तो ये मैंने अपना वाइट स्टूडियो ओपन कर लिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आप देखिए, खुद लाइव आप देखिए और आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना पैसा मिलता है, क्योंकि ये कोई कह नहीं सकता है कि यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, 1000 व्यू पे कितना मिलता है, क्योंकि ये गूगल का अपना एक तरीका है। इसमें दो फैक्टर मेन होते हैं, पहले नंबर पर रहता है CPM, कॉस्ट पर माइल, और CPC, कॉस्ट पर क्लिक। तो यहां पे आपको कई तरीके से पैसा मिलता है, तो आपको यहां पे ये देखना होता है कि कितना, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना पैसा किस तरीके से मिलता है। देखिए, ये मेरी वीडियो है जिसमें 64K व्यूज है, ठीक है। आपको यहां पर यह क्लिक किया मैंने, और यहां पर जाके आप व्यू मोर पे जाएंगे, व्यू मोर पे जाने के बाद रेवेन्यू पे आ गए, रेवेन्यू पे आने के बाद ये देखिए, ये आपको यहाँ पे देखिए 31.81 यानी करीब $32 मुझे मिला है 64,000 व्यूज पे, 64K व्यूज पे, ठीक है। अब इसे अभी हम रुपयों में इसे कन्वर्ट कर लेंगे कि कितने रुपए हैं। अब दूसरा, अब दूसरा वीडियो आप देखिए, मैं आपके सामने शो कर रहा हूं कि 1000 व्यू पे देखिए कितना मिलता है। ये एक और वीडियो है मेरी जिसमें 7.4K व्यूज है, लगभग 10000 व्यूज है। तो आप इस पे देखिए, इस पे कितने पैसे मिले हैं मुझको, ये आए, यहां पे टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 0.22, मतलब 22 सेंट, डॉलर भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपको वीडियो दिखा रहा हूं मैं, आप देखिए, अब ये देखिए, ये 1500 व्यूज हैं इस पे, 1.5K। तो अब इस पे देखते हैं कितना हमको पैसा मिला है, यानी 1000 व्यूज पे 0.51, आधा डॉलर का मतलब है 35 रुपए, 70 रुपए का एक डॉलर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये करीब 3000 इस पे व्यूज है, तो 3000 व्यूज पे टोटल कितना पैसा मिला है, 3000 व्यूज पे मिला है करीब $2.5। ये देखिए एग्जैक्ट 1000 व्यूज है, तो 1000 पे देखिए कितने डॉलर मिले हैं मुझको, 1.44, ठीक है, यानी $1.5 मिला है मुझको 1000 व्यूज पे। 100 व्यूज वाली मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि 100 व्यूज में देखिए आपको कितने पैसे मिले हैं, आइडिया हो जाएगा आपको। ये है 182 है, इसमें देखिए 0.6, तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। यहाँ पे जो देखिए, दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, CPM कॉस्ट पर माइल और RPM यानी RPM रेवेन्यू पर माइल और CPM। ये CPM और RPM, जब आपका CPM बढ़ता है तो RPM आपका बढ़ जाएगा, तो आपकी अर्निंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू बढ़ जाएगी, RPM रेवेन्यू पर माइल। तो आप यहाँ पे आप ये चीज समझ लीजिए कि इसीलिए मैंने बताया था कि वो टॉपिक और वो निश वो ध्यान रखना है जो हाईएस्ट पेइंग वाले हों। और एक और तरीके से भी आपकी अर्निंग बढ़ती है कि आप एड कैसे बढ़ाते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप यूट्यूब कोर्स में जाके देख लीजिएगा कि अपनी अर्निंग कैसे आप बढ़ाएं वीडियो में एड सेटिंग करके। तो एड सेटिंग वाले अगर वीडियो नहीं देखो वो देख लीजिएगा, उससे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, आपको मालूम हो जाएगा कि कितने कितने पैसे कहां कहां पे मिलते हैं, क्योंकि एड जब ज्यादा आप लगा देंगे तो ज्यादा बार प्ले होगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये कह नहीं सकते कि आपको 1000 व्यूज पे कितने डॉलर मिलते हैं, सबका अलग अलग है, बहुत अलग हिसाब है। आप बस काम करते रहिए, आप गीता को फॉलो करिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। आप इसको इतना बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये आपका एक समझ लीजिए एसेट है। एसेट मतलब समझते हैं ना, जहां से आपको पैसा मिलता रहता है, रियल एस्टेट एक समझ लीजिए, ये रियल एस्टेट, डिजिटल रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि एक तो वो रियल है, वास्तविक है, ऐसे ये भी वास्तविक है, रियल। और रियल एस्टेट क्या होता है कि जहां से आपको अर्निंग होती रहती है, मतलब पैसा आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया हमेशा पैसा मिलता रहता है, तो वो सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर आपको हमेशा पैसा मिलेगा। आप एक बार बड़ा तो होने दीजिए इसको, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने दीजिए, 10 मिलियन, फिर आप देखिए आपके पास पैसा कितना आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, जुटे रहिए, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए हमेशा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।